अरे बीजेपी क्या बढ़िया काम कर रहे हैं, सब आदमी को बर्बाद कर दिए हैं। ये बीजेपी जुमलेबाजी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। हमारे हम लोग का जो स्थिति है बिहार का बहुत दयनीय है। तो ये तो तय है कि 2024 में उनको किसी भी हाल में चले जाना है। बिहार में जंगल राज नहीं है, जनता राज है। जो मनुस्मृति है, जो पुराने ब्राह्मणवाद है, उसको लागू करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। गैस सिलेंडर कपार पर लेके चूरी खनखनाती थी, जो कितना जो है सो 300 रुपए गैस सिलेंडर मिलता। आज देखिए गैस का हाल, महंगाई देखिए, देश का अर्थव्यवस्था देखिए, क्या है भाजपा सरकार। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त आज तालकटोरा स्टेडियम में ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, पूरी जो बिहार से आई हुई है, तो ये भीड़ जो आई हुई है, अभी उसी सब पे हम बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। अभी हमारे साथ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। आज यहाँ पर इतना बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन किया जा रहा है, किस पर्पस से किया जा रहा है ये? राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो लालू प्रसाद यादव जी 12वीं बार चुने गए हैं, उसके लिए उनका विधिवत मनोनयन होना था। और पार्टी का जो संविधान है और कुछ आगामी लक्ष्य जो है 2024 के लिए, तालकटोरा स्टेडियम में उसी का आयोजन किया गया था कि अपने कार्यकर्ता को बुला के अपने कार्यकर्ता से परामर्श लेके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो विधिवत चुनाव हुआ ही, आगे क्या पार्टी की रणनीति होगी, इसी के लिए ये बैठक की गई। लेकिन जगदानंद बोलने में आ रहा है, जगदानंद तो आए नहीं। अब जगदा बाबू आए कि नहीं आए, ये सब तो पार्टी का आंतरिक बात है, हर घर में होता चल रहा है पार्टी में, ऐसा हम लोग को जानकारी नहीं। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी को जानते हैं, एकदम कार्यकर्ता है। तो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी का जो भी निर्णय होता है, जो उनका आदेश होता है, हम लोग उसी बात को मानते हैं। सबसे बड़ी पार्टी होती है, अगर पार्टी रहेगी तो अध्यक्ष भी होंगे, विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे। इसलिए हम सब कार्यकर्ता पार्टी की मजबूती पर ध्यान देते हैं। कौन आए कौन नहीं आए, इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं। पार्टी में कुछ उठा पटक नहीं चल रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं, हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। कार्यकर्ता है, जानकारी नहीं, कार्यकर्ता है, लेकिन हम लोग को ये जानकारी नहीं कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। हम लोग तो अधिवेशन में भाग लेने के लिए बिहार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानालाल यादव। तो आप भी बिहार से आए हैं? मैं बिहार से, और अधिकतर यहाँ लोग बिहार से ही आए हैं। अधिक बिहार से भी, अदर प्रांत से भी हैं। पूरा बोल रहे हैं कि पूरे देश से सब सारे नेता लोग जो हैं इकट्ठा हुए हैं। जरूर जरूर। तो इतना बड़ा अधिवेशन किया जा रहा है, क्या कुछ उठा पटक हो रही है पार्टी में? पार्टी में तो मेरा पार्टी में कोई उठा पटक नहीं हो रहा है। कार्यकर्ता है क्या? जी मैं कार्यकर्ता हूँ 2001 से। तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होने वाला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने वाले थे, जगदानंद बाबू तो आए नहीं। आना जाना तो लगा ही रहता है पार्टी में। कुछ बोला जा रहा मन मुटाव तेजस्वी यादव से, वो तो कहते हैं कि हु इज तेज प्रताप यादव, वो ऐसा बोलते हैं, वो क्योंकि बोलते हैं कि मैं तो लालू प्रसाद यादव को जानता हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है, जगता बाबू हम लोग के शीर्ष नेता है, कोई कोनो कारण बस ऐसा नहीं आए, वो आएंगे जरूर आएंगे। बिहार में अब ये बताइए ना कि किस तरीके से उठा पटक चल रही है राजनीति? बिहार में कोई राजनीति नहीं चल रही, सिर्फ हम लोग। नीतीश जी जो है छोड़ा बीजेपी को, बहुत बड़ा तगड़ा झटका दिया है। ये बीजेपी से तंगी हो गए हैं नीतीश जी, पूरा तंगी है। इतना बढ़िया काम कर रही है। अरे बीजेपी क्या बढ़िया काम कर रहे हैं, सब आदमी को बर्बाद कर दिए हैं, सारा विधि व्यवस्था बर्बाद कर दिए हैं। बीजेपी तो हम लोग को क्या, पूरा देश को बेच चुके हैं, बेचने में लगे हुए हैं, इसीलिए तंगी हुए हैं हम लोग। और भी है, क्या नाम है सर? रामचंद्र मेहता है। कहाँ से आए हैं? छातापुर सुपौल से आया हूँ। अलग अलग जगह से आए हैं आप लोग, है ना? बिहार से आया है। बिहार से। इतना बड़ा अधिवेशन हो रहा है, ये क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? ये अधिवेशन, ये बीजेपी भगाओ अभियान है। ये बीजेपी भगाओ अभियान, ये अभियान ये का है? ये बीजेपी जुमलेबाजी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। हमारे हम लोग का जो स्थिति है बिहार का बहुत दयनीय है। ये बीजेपी तो वहाँ पे बीजेपी तो थी, पर उनसे भागे भी, नीतीश कुमार भी भागे। क्यों भागे? वे दाब के रखना चाहते थे बीजेपी वाले, उसको काम करने का अधिकार को छीनते थे बीजेपी वाले। लेकिन पहले तो नीतीश जी खूब उड़ उड़ के गए थे। पहले जब अकेले थे, बीजेपी के साथ में थे, अकेले अपना मन चला के काम करते थे, अच्छा काम किए,
बीजेपी वाले के मन में यही बात, नीतीश कुमार के हटा के सिंगल पर्सनल सरकार हमको बनाना है। 2024 में बीजेपी आने के पूरे पूरे चांस है, इसलिए इतना बड़ा अधिवेशन करवा दिया जी है? निश्चित रूप से। तो वहाँ पे क्या बिहार में आरजेडी आएगी? निश्चित रूप से आएगी। हाँ? निश्चित रूप से आएगी। लेकिन पार्टी में ही बड़ा मनमुटाव चल रहा है आपसी। कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। उठाव चढ़ाव तो ऐसे होता रहता है, ऐसे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है। पार्टी में सब एक समान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा है। कहाँ से आए हैं? सुपौल से। सुपौल से आए जी। अधिकतर लोग बिहार से भी आए हैं ना यहाँ? जी जी, सब जगह से आए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार चंदवंशी पड़ेगा, हम झारखंड से आए हुए हैं। झारखंड से आए। हाँ, ये बताइए कि अब क्या छटने वाली है बीजेपी? इतना बड़ा अधिवेशन कर दिया। बिल्कुल छटेगी। जिस प्रकार का अधिवेशन हुआ है और भीड़ हुआ है, उस हिसाब से बीजेपी का सफाया सियोर हो जा रहा है। आप सफाया की बात कर रहे हैं, वहाँ हुंकार भरी जा रही है मोदी द्वारा। वो हुंकार झूठा हुंकार भरा जा रहा है। वो हुंकार को अब भारत की जनता सुनने वाली नहीं है। अबर के चूना में उनको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। बिहार में जो जंगल राज है वो कब छटेगा? कभी जंगल राज नहीं हुआ है, न कभी होगा बिहार में जंगल राज। बस इतना ही मान के चलिए, ये विपक्ष वाले का साजिश के तहत बोला जाता है कि बिहार में जंगल राज है। बिहार में जितना शांति है वहाँ कोई भी राज नहीं। बता रहे हैं हॉस्पिटलों की हालत दयनीय पड़ी हुई है। हॉस्पिटल में मरीज अपना दम तोड़ दे रहा, किडनी चुला रही जा रही है मरीज। आप मैडम बिहार में चलिए, अगर 1% भी कहीं गलत पाएंगे तो आप कहिएगा कि यहाँ कोई चीज में गलत हम पाए हैं। देख लीजिए वहाँ पे दिखा दिया सत्य, तो फिर आपकी और शराबबंदी पे क्या कहेंगे? नहीं तो शराब तो बिल्कुल बंदी है। चुपचाप से बिक रही है शराब? नहीं नहीं, कहीं पे नहीं, कहीं शराब का पूरा प्रतिबंध लगा हुआ है। बिहार में कहीं भी शराब का बिक्री नहीं हो रहा है। छोटा छोटा बच्चा नशा कर रहा है? बड़े बड़े लोग को मिल ही नहीं रहा, तो फिर बच्चा लोग के कहाँ से शराब मिलेगा मैडम? बिहार में तो पूरा बंद है, शराब बंद है जी। नेता लोग तो पी रहे हैं। नेता लोग को ऐसा बात नहीं है, बीजेपी का एजेंडा है बिहार में। हम लोग का एजेंडा कैसे हो गया जब नेता लोग? नहीं नहीं, शराब हम लोग का बिहार में जो नीतीश कुमार लागू किया है बहुत अच्छी तरीके से पालन होता है। और जो, जो मीडिया दिखा रहा वो क्या है? पालन पालन कहाँ जा रहा है? मीडिया बहुत चीज दिखाता है उसमें, अब क्या बोलेंगे, मीडिया बहुत चीज दिखाता है बीजेपी को लेकर। बोल दीजिए, कोई बात नहीं, इतना बड़ा अधिवेशन हो रहा है, बोल दीजिए। नहीं नहीं, बहुत कुछ दिखाता है। नहीं बोलेंगे, गाज गिर जाएगी आपके। अरे एक बिहारी सौ पे भारी, एक बिहारी सौ पे भारी, सौ पे भारी। क्या नाम है आपका? MD हकीम, कटिहार जिला से। युवा मुसलमानों का भी बता दीजिए, क्या हाल है वहाँ पे बिहार में? बिहार में मुसलमान सब सही है, समझे, सब कुछ सही है। और कोई हिंदू मुस्लिम बिहार में नहीं चल रहा है, सब सही है। यहाँ पे अभी देखिए महिलाएं भी आई हुई हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो नसीमा जमाल हुआ और मैं बिहार से आई हूँ। और सबसे पहले मैं ये बता दूँ, नरेंद्र मोदी जी को हम लोग बिहार से तो हटा दिए। जैसे का नाम सुनिए कि जैसे पतंग उड़ता है तो धागा कट जाए तो कहाँ से कहाँ जाके लास्ट में गिर ही जाता है, तो यही नरेंद्र मोदी जी है। हम लोग बिहार से दिल्ली आए हैं नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए। और बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए क्योंकि 8 साल से कभी बोलते भाइयों बहनों हम तुम्हारे साथ हैं, 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे, 1 रुपया पैसा भी नहीं मिलता है। बोलते हैं कि हर युवा को 2-2 करोड़ नौकरी हम देंगे, वो भी नौकरी भी नहीं मिला। यही 2022 का उनका वादा था कि हम पक्का के सब गरीब को घर देंगे, वो गरीब को घर भी नहीं मिला। तो आप बताइए बहन, कौन सा वादा वो पूरा किए? कभी बोलते थे कि भाइयों बहनों दूध पे, दही पे, लस्सी पे, A to Z खाने वाले चीज पे GST नहीं लगने देंगे। आज देखिए हर चीज पे GST लग गया, यहाँ तक कि बच्चा ट्रेन में चढ़ेगा उसका भी फुल टिकट लगेगा। तो कौन सा काम किए? तो ये तो तय है कि 2024 में उनको किसी भी हाल में चले जाना है। वो सोच रहे कि कुर्सी हम नहीं छोड़ेंगे। अरे भैया, वो कौन सा चीज है, जब एक इंसान आता है तो दूसरा भी इंसान। लेकिन गुजरात में तो दहाड़ रहे हैं मोदी। अरे गुजरात में वो क्या दहाड़ेंगे, गुजरात वाले भी जान जाएंगे। उनको दहाड़ने और बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 8 साल हो गया, 8 साल में कुछ किए हैं ना? महिला को इज्जत दिए ना? महिला कुछ भी नहीं किए। टक्कर में केजरीवाल भी है वहाँ जी, केजरीवाल भी टक्कर में है वहाँ।
टक्कर में है वो केजरीवाल जी जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, उनके जैसा नहीं है कि किसी को हम खरीद ले, वो खरीदने वाला काम नहीं करते हैं, वो अपने बलबूता पे काम करते हैं। हम भी कह रहे हैं अगर नरेंद्र मोदी जी को इतनी देश से प्यार है तो उनको बीच में रहे ना, जनता का बात माने ना, जो युवा को हर साल नौकरी देने के लिए वादा किए 2-2 करोड़ नौकरी दीजिए। यादव भी वादा किए थे, बिल्कुल हमारे तेजस्वी जी डिप्टी सीएम जो भी वादा किए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो बिल्कुल पूरा होगा। अभी देख लीजिए, अभी तो 2 महीना भी नहीं हुआ सरकार बने हुए और अभी देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। जितने बीजेपी वाले लोग हैं सब चीज तो ओपन हो ही रहा है ना, बिल्कुल होगा और पलट होगा क्या, बिल्कुल होगा। और नरेंद्र मोदी जी अब जाएंगे हवा में जाएंगे, एकदम हवा की तरह उड़ जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को अब कोई नहीं रोक सकता है जाने के लिए। आज अधिवेशन था ओपन, यहाँ पे हम लोग शामिल हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो और हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि अब बिहार में तरक्की भी होगा और दिल्ली में भी तरक्की होगा। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। जैसे वो मजलिस में बोलते हैं कि भाइयों बहनों हम तुम्हारे साथ हैं, सला जहाँ जाते हैं उसी को बेटा हो जाते हैं, तो बेटा होते हैं तो बेटा फर्ज पूरा करे ना, वो भी तो नहीं करते हैं और बोलते हैं कि हम पीएम है क्या है, कुछ नहीं है। के लिए तो कर रहे हैं इतना, क्या महिला के लिए क्या, आपके लिए कुछ किया है क्या, आपके लिए आप भी तो महिला है, रही है। नहीं नहीं आप भी तो महिला है ना, आप मेरी बहन है, आपके लिए कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ये आप जान लीजिए, जब महिला के क्या, जो इनके बीबी बाल बच्चा को नहीं देखभाल सुनते तो बिहार को क्या बचाएंगे, दिल्ली को क्या देखेंगे, कुछ नहीं। और महिला को क्या दिए आज तक, हमको प्रमाण कर दीजिए कि बिहार में जंगल राज कैसे छटेगा, बिहार में जंगल। एक बात बताऊं, ये जो बोल रहे हैं ना बीजेपी वाले, इनकी सोच गलत है। बिहार में जंगल राज नहीं है, जनता राज है, और वही दिल्ली में जनता राज होगी। जैसे बिहार में जनता राज हो रही है वैसी दिल्ली में भी जनता राज होगी। जंगल राज कहने वाले खुद तो निगरानी कर ले अपने, बोलते हैं ना सरमाई बिल्ली खम्मा नोचे, वही नरेंद्र मोदी जी हैं। हम तो कह रहे हैं अब बोलने से कोई पाला नहीं पलटेगा, अब तो जो होना है वो तो हो के रहेगा। 2024 में वो जान गए हैं खुद कि हम चले जाएंगे। सर क्या नाम है आपका? विनोद चंद्रवंशी, अति पिछड़ा आरजेडी के अध्यक्ष हैं, भोजपुर बिहार। पिछड़ा वर्ग के हैं, पिछड़ा वर्ग के साथ तो बड़ा अत्याचार हो रहा है बिहार। हाँ, बिहार में तो ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरक्षण को खत्म कर दिया। अभी बिहार में नगर निगम का चुनाव हो रहा था, नगर निकाय का आरक्षण खत्म हो गया अति पिछड़ा का, और अति जो नगर विकास मंत्री थे भाजपा के ही कोटे से थे, लेकिन आज तक कोई आवाज नहीं उठाए और पूरा आरक्षण समाप्त कर दिया, पूरा देश का आरक्षण समाप्त करने जा रही है भाजपा। वो तो कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटा लाभी है, वो भी लागू कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, ये पूरे देश को सत्यानाश कर दिए, और जित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो आरक्षण था वो आरक्षण को समाप्त करके ये संधि आरक्षण लागू करना चाहते हैं, जो धर्म पर विश्वास करना चाहते हैं, मनु स्मृति पर विश्वास करना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को। बाबा साहब की बात तो वो भी कर रहे हैं, मोदी भी कर रहे हैं, फोटो भी लगा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो केवल दिखाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को और जननायक कर्पूरी ठाकुर को खुलेआम गाली देता था बीजेपी के लोग खुलेआम गाली देते थे। जो राष्ट्रपति बनाया था कौन, राष्ट्रपति वो तो मुखौटा है। और अभी फिर से पिछड़ा वर्ग से ही वो आदिवासी जो द्रौपदी मुर्मू जी बना दी है, मूर्त है, कितना काम नहीं कर रहे हैं, मूर्त है। कोई 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 स्वतंत्र होकर अपना काम कर सकती है, ये आप हमको बताइए, स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। जो मोदी जी कहेंगे वही होगा इस देश में, हाँ वह स्वतंत्र नहीं है। वो तो कह रही है कि गुजरात का नमक खा रही है जनता। कौन खा रहा है? द्रौपदी मुर्मू जी क्या है? वो क्या खा गुजरात में तो अपने महाजंगल राज है, वहाँ आप नहीं देख रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है। गांधी जी उसी स्टेट में पैदा हुए थे, और गांधी जी को खुलेआम लोग गाली देते हैं तो क्या मैंने देश का नमक खिलाएंगे? नमक पहले अपने खाएं, दूसरे को क्या खिलाएं? बताइए कि कितना वहाँ पे दलितों के लिए वहाँ पे कितना सही काम हो रहा है बिहार में। जो भी बिहार में हो रहा है, अभी महागठबंधन की सरकार चल रही है, वो महागठबंधन की सरकार के बल पर वहाँ के दलितों का, पिछड़ों का, सभी लोगों को मान सम्मान और विकास हो रहा है।
मान सम्मान हो रहा है, रोज इतना वीडियो आ रहा है, मार पिटाई कर दे। और उत्तर प्रदेश जाइए ना, उत्तर प्रदेश में देखिए दलित का कितना मान सम्मान मिल रहा है, बहुओं को बेटियों को जलाया जा रहा है, उसका उसके साथ रेप किया जाता है। बिहार में क्या होता है, बिहार में बताइए। तो इतना आ रहा है मुस्लिमों के साथ, इतना लिंचिंग हो जा रही है मुस्लिमों की, कुछ पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक जो है वहाँ सभी लोग सुरक्षित है। जो भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो वहाँ सरकार चल रही है उनके नेतृत्व में सभी लोग सुरक्षित हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर वो दंगा करा रही है, सुरक्षित कहाँ लोग हैं? तो विष्णु का अवतार माना जाए आरजेडी, तो क्या आप मैंने क्या समझ रही है? वो हम लोग महात्मा गांधी के वंशज हैं, महात्मा गांधी गांधी लोहिया जयप्रकाश के सिद्धांत पर वहाँ काम होता है। लालू यादव का वो धरती है। लालू यादव तो खुद फंसे फिर रहे हैं, इतना उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है उनको, फंसे नहीं है, फंसाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग फंसा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग फंसा रहे हैं, वही फंसा रहे हैं। हमें सब घुमा फिरा के बीजेपी आ जाती है। हाँ, घुमा बीजेपी का एक ही काम है, जितने भी देश में समाजवादी नेता हैं सभी लोग को अंदर कर दो और पूरे देश पर अपना शासन करो, यही उनका एथी है। और जो मनुस्मृति है, जो पुराने ब्राह्मणवाद है, उसको लागू करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हम लोग नहीं होने देंगे। कैसे भगाएंगे, कैसे हटाएंगे? अभी आप वर्चस्व कायम है, बढ़िया बात। नहीं, आज जो यहाँ अधिवेशन हुआ यहाँ तालकटोरा में, ये अधिवेशन पूरे देश में एक मैसेज देगा और पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ करके हम लोग दम लेंगे। और 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी, बनेगी समाजवादी विचारधारा के लोगों का, जो गांधी लोहिया जयप्रकाश के सिद्धांत पर चलते हैं, जो मानने वाले लोग हैं, वही लोग देश से इसको खदेड़ेंगे और नई सरकार बनेगी, जो पूरा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, हम भाई भाई, यही नारा लगेगा पूरा देश में। सर क्या नाम है? सुमन कुमार झा, पैक्स चेयरमैन बनगांव सहरसा, पैक्स चेयरमैन बनगांव सहरसा बिहार। कहाँ से आए? सहरसा बिहार से आए। जी हाँ। तो यहाँ अधिवेशन में जुड़ने का क्या मकसद है? अधिवेशन में यहाँ पर आए, हम लोग तो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन सबसे पहले बिहार में सवर्णों के लिए 10% आरक्षण जो है आदरणीय लालू यादव जी देने का काम किया है। उसके बाद अभी सवर्णों को काहे की जरूरत है आरक्षण की? जो गरीब सवर्ण है उनके लिए अभी भी यहाँ पर हम लोग सवर्ण गरीब कैसे हो जा रहा है ना, गरीब सवर्ण में भी गरीब है, हर एक जाति में गरीब है, तो सवर्णों में जो गरीब है उसके लिए 10% आरक्षण देने का काम सबसे पहले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। उसके अलावा सम्मान मान सम्मान देने का जहाँ तक बात है, अभी जमीन है आपकी? जमीन अमीन है खेती? जी जी, बहुत जमीन है। मनोज झा जी अभी जमीन है तो फिर कैसे? जस्ट मैंने मनोज झा जी अभी जो राज्यसभा सांसद है अभी, उनको जो है सम्मान देने का काम किया बिहार से, वो भी सवर्ण जाति के। और मनोज झा जी अभी MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप तो जानती ही होंगे मैडम, उनको भी ये राष्ट्रीय जनता दल माध्यम से उनको ये सम्मान देने का काम किया हुआ। अभी आपने कहा कि आपकी बहुत ही जमीन है जी, तो फिर कैसे गरीब हो गए? जमीन तो हमारे पास जमीन भी नहीं है, जिनके हम ब्राह्मण जाति में भी बहुत गरीब है जिनके पास जमीन कम है, उनके लिए आरक्षण देने का काम जो सर्वप्रथम लालू प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया था कि सवर्ण में भी जो अत्यंत गरीब है उनको 10% आरक्षण दिया जाए। और उनका EWS भी बन रहा है अभी, वो आप जाइएगा ब्लॉक में सहरसा। मैंने एक रिपोर्ट मैंने करी तो वहाँ पे तो ब्राह्मण जो है जितना इस जाति का है वो EWS को लात मारता है, कहता हमें नहीं चाहिए भीख। कुछ है ऐसा है ब्राह्मण वहाँ पर जो है ना, मैक्सिम ज्यादा जो है 60% ऐसा है जो कि मान लिया अमीर भी है, 40% ऐसा है जो गरीब भी है, जो कि भीख मांग करके भी खाता है। आपको आप में भी मानते हैं कि सवर्णों में काबिलियत नहीं है इसलिए EWS कोटा चाहिए? सवर्णों में है, सवर्णों में पूरा 40% ऐसा है जिसमें काबिलियत ना है, 60% में तो काबिलियत है, वो अपना चाहिए आप लोगों को जी आरक्षण? तो हम लोग को 10% चाहिए ही, जो गरीब चाहिए आगे बढ़ने के लिए, जो गरीबी है ब्राह्मण में भी उसके आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, कहाँ गरीबी है? ब्राह्मण तो खुद पूजा पाठ में इतना लीन है, ब्राह्मण पुजारी बना बैठा है इतना। सब तरह ऐसा ही ब्राह्मण आपको मिलेगा बिहार में जो कि खजाने का मालिक वही, सुनिए ना, भीख भी मांग के खाता है ऐसा ही मिलेगा आपको, जिसको कि 2 जून का रोटी भी नहीं मिलता ऐसा ही मिलेगा, गरीब भी मिलता है, गरीब भी हर एक तरह का ब्राह्मण मिलेगा आपको। तो इसीलिए गरीब को उठाने के लिए आदरणीय जो है लालू प्रसाद यादव जी का संदेश है कि 10% आरक्षण अगर मिलेगा जो आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए। आरक्षण लेने आए हैं आप? नहीं, हम
तो अभी यही नहीं, आरक्षण लेने के लिए नहीं, यहाँ पर सुनने के लिए आए थे। आरक्षण लेने के लिए क्यों आएंगे मैडम? और हम अपने खुद जो अभी नीतीश कुमार जो हरियाणा बिहार गवर्नमेंट का पैक्स चेयरमैन है अपने गांव के, कहाँ से आए सर? हम तमिलनाडु, तमिलनाडु से इतना दूर से आए सर यहाँ पे, इतना बड़ा देश है ना, इतना बड़ा अधिवेशन किया जा रहा है, क्या कुछ होने वाला है? हम बड़ी बड़ी फैमिली है, राष्ट्रीय जनता दल नाम का राष्ट्रीय है ना, पूरा देश का है, इसलिए तो दिखाता हूँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम गौरी शंकर यादव। तो सर कैसे यहाँ पे अब जो है आरजेडी, क्या वाकई में बीजेपी को हटाने के लिए यहाँ पे इतना बड़ा अधिवेशन? हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलने के पास दूसरी बात नहीं है, हमारा तेजस्वी जी का है ना, देश का युवा का धड़कन है, वो बोलेंगे ना हम जरूर मिलाएंगे, मिट्टी में मिलाएंगे जरूर। तमिलनाडु में भी अब जो है आरजेडी वहाँ पे भी पैर पसार। आप वो मीडिया परिवारी लोग हैं, आप नेट में चेक कर दीजिए 2014 में कितना आरजेडी का मुद्दा है। अभी अभी हम, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा युवा का अध्यक्ष है ना, वो बोल दिया उसी काम के लिए, हम वाजपेयी का हटना है, देश से भागना है, मतलब पॉलिटिकली आप दूसरे बात में नहीं सोचा है। हम बाबू तो आए नहीं, तो ये देखिए ये हमारा घर का प्रायोग, परिवार का लोगों का, आप क्यों पूछ रहा है, आपको इसमें क्या है? क्योंकि मीडिया तो बना रही है खबर की, तो मन मुटाव चल रहा है। मीडिया मत को पूछ लीजिए, भाजपा लोग में उसको मंच में देख रहे हैं इसी क्वेश्चन, तो वो आपके पास में मोदी जी के पास पूछ लीजिए, तो अमित शाह नहीं आया था, कभी भी पूछेगा आप? बिल्कुल पूछेंगे सर, अब बिल्कुल पूछेंगे नहीं, पूछ लीजिए फिर हमारे पास पूछ लीजिए। तो मतलब आप क्या तख्ता पलट होने वाला है क्या? क्या बोल रहे हैं? बिहार में तख्ता पलट होने वाला है? क्या बोल रहे हैं? पलट तो हो चुका है सर, बिहार में जो है ना बदलाव होगा क्या? हिंदी में थोड़ा, हाँ सीखता हूँ, बदलाव होगा क्या वो पूछ रही है। देखिए पूरा हमारा तेजस्वी भैया अभी उपमुख्यमंत्री है, अभी गठबंधन जा रहा है, जनता सोच का है उसको कहाँ रखना है, सोना कहाँ रखना है, सिल्वर कहाँ रखना है, वो सोचेगा ना, वो जरूर काम हो जाएगी। मैं बोलता है ना हमारा राष्ट्रीय पार्टी है, एक दिन ये देश को रूल करेगा, आज नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगी, लेकिन जरूर वाजपेयी आरएसएस समूह विरोध के लिए हम हटाएंगे, मिट्टी में मिलाएंगे, जरूर मिट्टी में मिला देंगे, जरूर मिला देंगे, क्यों नहीं सर? क्या नाम है? क्या नाम है? हिंदी नहीं, हिंदी थोड़ा, हिंदी का देखिए प्रॉब्लम है थोड़ा सा। सर क्या नाम है? रितेश यादव नाम हुआ। हिंदी समझ लेंगे जी, जी, हम बिहार सीतामढ़ी जिला सीता जी के धरती से आए हुए हैं। सीता जी की धरती से आए हुए हैं, वहाँ क्या बात है, तो जय श्री श्री राम का नारा लगा दीजिए। जा तो हम लगाते ही है, सीता पहले, सीता इसके बाद राम, सिया राम, सिया राम। मगर पुरुष प्रधान देश में कहाँ स्त्री की मान्यता रखी जाती है? मान्यता रखे जाता है, जय श्री राम का नारा लगाती तो बराबर कहते हैं कि हम महिला सम्मान देते हैं, लेकिन महिला को हमेशा तो अपमान करते हैं, बेटी बचाओ बेटी को अपमान करते हैं, बलात्कार करवाते हैं, मोदी जी बलात्कार कर, तो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं रियल में बिहार को, कह रहे हैं कि मोदी जी क्या कार्यकर्ता द्वारा खुलेआम बिहार में बलात्कार करवाते हैं और करते बिहार हैं। में जंगल राज है, बिहार में जंगल राज नहीं है, अब नहीं अब मंगल राज है, मंगल राज आ रहा है, चार पांच लोगों ने गोली मारा है, वहां चला वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता था ना, बेगूसराय में जो चला गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह वहाँ के सांसद है, और उनके क्षेत्र में अगर गोली चलता है तो उसका जवाबदेह कौन होता है, आप बताइए। महिला और जो मुस्लिम है उनके साथ लिंचिंग हो जा रही है वहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे? बिहार में ही। आप देखते हैं? हाँ मैं देखती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। और हॉस्पिटलों की हालत तो बहुत खराब है, हॉस्पिटल के हालात तो ऐसा हो गया है, जो एक दिन के सीएम वाला फिल्म देखे थे अनिल कपूर के, उस तरह के से काम करते थे तेजस्वी यादव, डायरेक्ट बिना सूचना और अधिकार के जाते हैं, अगर डॉक्टर नहीं रहते हैं तो उनको एक चांस देते हैं कि आप सुधर जाइए वरना आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, इससे बड़ा क्या हो सकता है। हॉस्पिटल में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जा रहा है, 10 बजे जाएगा और 4 बजे आओ। सर क्या नाम है? मेरा नाम हुआ डॉक्टर देव नारायण मंडल जी, कहाँ से आए? बिहार से सुपौल से आए हुए हैं। और आप जो बोले जो जंगल राज, यदि हम लोगों का गठबंधन महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो जंगल राज हो जाता है, यदि उसका सरकार बनती है तो मंगल राज हो जाता है, बाहर ये सरकार। और हम पूछते हैं आज स्मृति रानी का लीजिए,
गैस सिलेंडर कपार पर लेके चूरी खनखनाती थी, जो कितना जो है सो 300 रुपए गैस सिलेंडर मिलता। आज देखिए गैस का हाल, महंगाई देखिए, देश का अर्थव्यवस्था देखिए, क्या ये भाजपा सरकार हमारे देश को किस ओर ले जा रहा है। वो सरकार जनता को तो महंगाई नहीं दिख रही, वो तो कह रहे हर हर मोदी, घर घर मोदी। आप घर घर जाइए, गांव गांव जाइए, टोला टोला जाइए, तब आपको पता चलेगा जो जनता में कितना आक्रोश है महंगाई को लेकर के, गरीब आदमी किस तरह से जी रहा है। उसके तह तक जाइएगा, उसके घर घर जाइएगा, तब आपको पता चलेगा मैडम जी। जी जी, तो अब क्या वहाँ पे राजनीति जो है गड़बड़ा रही है या फिर तख्ता पलट होने वाला है? तख्ता पलट होने वाला है। इस बार मोदी जी का हम लोग विदाई कर रहे हैं, नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नीतीश जी को बनाने? जी जी जी, हम लोग पूरे देश का लोग एकजुट, जितना विरोधी था सब एकजुट हो गया है और सब मिल करके नीतीश जी को देश का प्रधानमंत्री और तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सुशील मोदी जी क्या बोलेंगे वो सुनिए ना, सुशील मोदी जी क्या बोलेंगे? सुशील मोदी जी वो नीतीश जी का खांटी आदमी है, वो आज न कल वो महागठबंधन में आ जाएंगे, हम लिख करके दे देते हैं। जी जी, तो नीतीश भी जो छोड़ के गए, बड़ा झटका दिया है नीतीश जी ने किनको? बहुत बड़ा झटका भाजपा को दिया है और महागठबंधन को, और उनको पहले ही यदि आ जाते महागठबंधन में नीतीश जी तो आज देश का प्रधानमंत्री रहते। तो पहले जाने का क्या मकसद था नीतीश जी का वहाँ पे? क्या बड़ी कुर्सी मिल रही थी? अरे लालू जी ऑफर दिए ना और उससे, अरे पलटी तो खुद वही मार ले, अपने जांग में कुदाली तो खुद नीतीश जी मार लिए। यदि वो पलट नहीं मारते, तो पलटी मार दी तो क्या करेंगे? कहाँ पे? यहाँ आरजेडी वाला के पलटी मार दी। अब ऐसा एग्रीमेंट है जो कभी भी वो पलटी नहीं मारेंगे। अच्छा। और देश का प्रधानमंत्री बन के रहेंगे। अच्छा जी जी, गुड। अच्छा हरियाणा में भी जो नीतीश कुमार गए थे, रैली हुई थी वहाँ पर, वो ज्यादा खास लोग जुड़ नहीं पाए, वहाँ का क्या? देखिए खास जुट नहीं पाए इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अब जब वो अपने अभियान में निकलेंगे तो आप देखिएगा जो नीतीश जी का कितना बड़ा भीड़ होता है। जी जी, चलिए तो अभी आपने जी जो महंगाई है ना, महंगाई से लोग परेशान है, 60% से लेकर 80% के बीच में जो भी पब्लिक है वो परेशान है। 20% ऐसे लोग हैं जो कि अपने थोड़ा बहुत बिजनेस या सर्विस मैन जो है आदमी वही सुरक्षित है। कौन सी जनता है जो चिल्ला चिल्ला के कहती है महंगाई नहीं है? नहीं महंगाई की तो बात, सिलेंडर महंगा नहीं है, बताइए आप ही खुद बताइए ना, जब आपके घर में 1150 रुपए का सिलेंडर आता होगा तो आप पेमेंट करते होगा तो आपको खुद पता लगता होगा कि 1150 रुपए लग रहा है, उस समय 450 रुपया 375 रुपया यही लगता था ना। मोदी जी को महंगाई दिखती थी? नहीं नहीं, मोदी जी जब से आए हुए 8 साल हो गया, ये तो 99% है कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, इस बात को सबूत है, क्योंकि आम पब्लिक जो है ना परेशान, रियल में परेशान है। अब जो रोएगा उसी को कहा जाएगा कि रो रहा है। भलाई के लिए महंगाई की गई है, पैसा सबसे बड़ी महंगाई है, महंगाई के वजह से आम पब्लिक परेशान है। सर जी ने, हाँ नीतीश कुमार ये तो सब मिली भगत है लोग, आज उनका कुर्सी है, मिली भगत नहीं नहीं सबकी बात हो रही है, आज उनकी कुर्सी है कल उनकी कुर्सी है, ये राजनीतिक जो है ना ऐसा चीज है ना कि सब मिली भगत। गरीब के लिए उन्होंने नीतीश जी ने क्या किया? गरीब के लिए यही किया कि अच्छा स्कूल में जो भी प्रोत्साहन दिया जाता है वही सब किया, मगर शिक्षा वाली बात है ना थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, क्योंकि मानते हैं सुधार नहीं है ना, अभी थोड़ी बहुत जो है कि शिक्षा चरमराया हुआ है, धीरे धीरे सिस्टम से काम हो जाएगा। सर क्या नाम है? डॉक्टर रमेश यादव, मैं बिहार से हूँ, औरंगाबाद जिले से। जी, तो सर यहाँ इतना बड़ा अधिवेशन जो हुआ है, इतने लोग एकजुट हुए हैं, ऐसे हरियाणा की जो रैली हुई थी वहाँ पे भी काफी नेता लोग जुड़े थे, तो क्या है, क्या कुछ मतलब अंदर ही? आज का जो कार्यक्रम है ये देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई और पूरे देश को एक संदेश दे रही है, लोग जो इकट्ठित लोग हैं वो संदेश देने आए हैं कि आने वाला जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें भाजपा का सफाया होगा, भाजपा का सफाया होगा बिल्कुल। लेकिन वहाँ तो दहाड़ रहे हैं मोदी जी गुजरात में, वो गलथेथरी कर रहे हैं, केजरीवाल जी भी लगे हुए हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में गैर भाजपाई जो दल है पूरे देश के अंदर
उनको संगठित करके और एकमुश्त हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और भाजपा को सत्ता से बाहर खदेड़ने का काम करेंगे। तो आज यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन किया गया तालकटोरा स्टेडियम में, लेकिन यहाँ पर जो अलग अलग स्टेट से नेता जुड़े काफ़ी कम संख्या में आ पाए हैं, क्योंकि आज जो मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हो गया है इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी कम नेता लोग जुट पाए हैं। मगर जितने भी आए, मगर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रही, काफ़ी लोग यहाँ जुटे, आम जनता भी यहाँ पर पूरी मौजूद रही, महिलाएं भी जो हैं पूरे जोशो खरोश में दिखी। और यहाँ पर अब जो है राष्ट्रीय अधिवेशन इतना बड़ा किया गया है, पूरी जो पैठ है वो बनने वाली है, पूरी जो राजनीति है वो बिहार की, आप समझिए कि किस तरीके से तख्ता पलट होने वाला है। यहाँ पर बीजेपी खदेड़ो अभियान भी चलाया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी लोगों से जब मैंने पूछा कि बीजेपी भगाओ अभियान भी चलाया जा रहा है और बीजेपी को खदेड़ने का काम किया जा रहा है। तो इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, तालकटोरा स्टेडियम,